अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज मैं छत पे जा रही हूँ और ये मैंने अपनी गर्मा गर्म चाय और साथ में कबूतरों के लिए थोड़ी रोटी रख ली है। तो मैंने सोचा चलें आज मैं आप लोगों को अपनी छत का टूर करवाती हूँ। तो जी यहाँ पे रूम है और हम लोग यहाँ पे कबूतरों का बाजरा वगैरह सब रख लेते हैं। चलें अब हम चलते हैं छत की तरफ। और अगर आप यहाँ पे न्यू हैं तो यू मस्ट हिट द बेल आइकन ऑल्सो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो यू विल नेवर मिस माई अपकमिंग व्लॉग्स। तो जी भाई यहाँ पे देखें कि कराची का मौसम कितना अच्छा हो रहा है, कितने ज़्यादा बादल आए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और ठंडी हवाओं के साथ साथ हमारे कबूतर भी पिंजरे के अंदर उड़ने शुरू हो गए हैं। क्योंकि बस ये लोग मुझे देख लेते हैं ना तो बस इनको पता चल जाता है कि बस ये आ गई है, ये मुझे दाना डालेगी। तो यहाँ पे देखें ये लोग कितने बस तैयार बैठे हैं कि बस दरवाज़ा खुले और हम लोग बाहर निकलें। तो अब बस मैं जाऊँगी अंदर रूम में इनका बाजरा लेने के लिए। तो जी भाई मैं यहाँ पे आ गई हूँ और मैंने यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा बाजरा लिया है क्योंकि मैं रोटी भी लेके आई थी इनके लिए, ताकि मैं थोड़ा सा बाजरा खिलाऊँगी और फिर मैं थोड़ी सी रोटी खिलाऊँगी। और जी भाई ये देखें मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला और ये बस उड़ गए हैं कि बस इनको सैर करनी थी। ये काफ़ी दिनों से बंद थे तो ऊपर चक्कर नहीं लगा तो मैं खोल नहीं सकी इन्हें। तो आज जब मैंने खोला तो जी भाई ये देखें ऊपर वो लोग उड़ रहे हैं, सैर कर रहे हैं और ये तीन अंदर देखें मज़े से बैठे देख रहे हैं बस बाहर क्या हो रहा है। अब बस मैंने इनको भी बाहर निकाला ताकि सारे इकट्ठे बाहर दाना वगैरह खा लें। तो अब बस ये नीचे उतरेंगे तो मैं इनको बस दाना डालूँगी और रोटी भी डालूँगी तोड़ के। बस ये लोग आ गए हैं सैर करके और मैंने यहाँ पे इनको थोड़ा सा दाना डाल लिया ताकि थोड़ा सा ये लोग दाना खा लें, अपना पेट पूजा कर लें और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं अपनी गरम गरम चाय एंजॉय कर रही हूँ और मौसम एंजॉय कर रही हूँ। कितना अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पे। और आप भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों के घर घर में आप लोगों के घर में आप लोगों ने कौन कौन से पेट्स रखे हैं। और यहाँ पे देखें बस मैं दाना डालने लगी थी और ये लोग आके बस मेरे हाथ में इन्होंने खाना शुरू कर दिया है। ये लोग मुझसे कुछ कबूतर ऐसे हैं जो मुझसे इतने ज़्यादा फ्रेंडली हैं कि बस आ जाते हैं मेरे पास, और कुछ तो इतने डरते हैं कि बस आते ही नहीं हैं पास, दूर दूर रहते हैं। बस इनको भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है तभी ये लोग हाथ में खा रहे थे, वरना तो इतना ज़्यादा ये लोग तंग करते। और यहाँ पर लोग दाना खा रहे हैं और वो देखें वहाँ पर इन्होंने चहलकदमी लगाई हुई है इन सब ने। और अब ये देखें भाई इसकी हरकतें आप लोग देखें ये कैसे कर रहा है कि बस मैं दाना उठा रही हूँ और ये बस हाथ पे आके बैठ जाता है। और सारे कबूतरों में से सबसे ज़्यादा फेवरेट भी मेरा यही है क्योंकि ये इतना ज़्यादा फ्रेंडली है कि मैं इस तरह हाथ आती हूँ, मतलब कभी कभार होता है कि मेरी गोद में भी आके बैठ जाता है। तो ये देखें कितने मज़े से दाना खा रहा है और हाथ में, और बाकी सब इसको देखे जा रहे हैं। ये देखें भाई ये देखें कैसे उड़ के आता है, दाना खाता है और नीचे गिराता है ताकि मैं अकेला क्यों खाऊं भाई, मैं सबको खिलाऊंगा। तो अब ये वाली थोड़ी कम फ्रेंडली है, ये बहुत कम आती है हाथ में बैठती है। साथ साथ मैंने यहाँ पे रोटी भी तोड़ ली थी कबूतरों के लिए। अब बस मैं इनको रोटी डालूंगी उसके बाद ये देखें भाई यहाँ पे ये लोग सब ऊपर बैठ गए और अभी मैंने रोटी डाली है तो सब नीचे आए हैं। बस इनको कुछ खाने को नहीं मिलता ना, ये सब ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, सब ऊपर उड़ जाते हैं, फिरते रहते हैं पूरे छत पे। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा मेरा व्लॉग देख के। तो आप लोग भी इंजॉय करें मेरा व्लॉग देख के, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज कुछ था नहीं करने को तो मैंने सोचा चले आप लोगों को छत का एक टूर ही करवा देती हूँ, अपने पिजन से अपने कबूतरों से आप लोगों को मिलवाती हूँ। तो जी भाई यहाँ पे मैं आ गई हूँ नीचे कबूतरों को बंद करके, उन्होंने इतना ज़्यादा तंग किया है। बस मेरी यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखें भाई मेरी ये खाला हैं, वो स्कूल में टीचर हैं तो वो जब भी आती हैं मेरे लिए कोई ना आर्ट एंड क्राफ्ट का काम ले आती हैं। तो यहाँ पे मुझे इधर प्लेन कार्ड्स दिए गए थे और मुझे इनको इस तरह क्रिएट करना था कि मिड में लेटर्स एंड साइड पर ना मुझे स्टिकर्स, मतलब फ़ाइंड आउट करके ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टिकर्स थे तो मुझे फ़ाइंड आउट करके ना वो यहाँ पे पेस्ट करने थे। और मुझे लगता है ये किड्स के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं उनको सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा कलरफुल हैं, वाइब्रेंट हैं
और इसको हम ऐसे कर सकते हैं जैसे मिड में लेटर हो, साइड पे ना मतलब आइटम्स हों, थिंग्स हों, जैसे सी फॉर कैरेट, सी फॉर कोकोनट एंड इसी तरह आई फॉर इग्लू इंडिया जो भी है। और यहाँ पे किड्स को आप लोग पिंस या पैग्स दे सकते हैं ताकि जो लेटर से जो थिंग्स स्टार्ट होती हैं वहाँ पे वो पैग्स लगा सके। और मुझे भी ये लगता है कि मैं जब ये क्रिएट करी थी तो मैंने सोचा मैं लाजमी इसकी वीडियो यूट्यूब के लिए बनाऊँ क्योंकि ये किड्स के लिए बहुत अच्छी लर्निंग एक्टिविटी है। और अब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये कैसा लगा और ये आप लोगों को कैसे कार्ड्स लगे। काफ़ी कलरफुल हैं, वाइब्रेंट हैं, लर्निंग हैं, स्किलफुल हैं। उसके अलावा इसको जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, उनको ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ लगेगी। तो आप लोग भी ये लोग ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किड्स को कैसा लगा। और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। चलें जी, इसी के साथ साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करते रहिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा प्लीज़। और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि मेरे अपकमिंग व्लॉग्स आपको सबसे पहले पहुँच सकें। तो जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।